ये वीडियो शेयर करते हुए कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे केदारनाथ में मुस्लिम आतंक और जिहादी आतंक बता रहे हैं। दरअसल इसे शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि केदारनाथ में घोड़े और खच्चर के मुस्लिम संचालकों ने कुछ श्रद्धालुओं पर लाठियों से हमला किया। कई ट्विटर यूजर्स ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया है। वहीं फेसबुक पर भी ये वीडियो वायरल है। तो क्या वाकई में केदारनाथ में मुस्लिम लोगों ने हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया था? इस दावे की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने जांच शुरू की। उत्तराखंड पुलिस ने कई वायरल ट्वीट्स पर कमेंट करते हुए लिखा है कि केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने वाले घोड़ा खच्चर संचालकों के विरुद्ध कोतवाली सोनप्रयाग में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने ये एक और वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि मामले में अंकित सिंह, संतोष कुमार, रोहित कुमार और गौतम और साथ में एक नाबालिग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं रुद्रप्रयाग के डीएसपी प्रबोध कुमार ने ऑल्ट न्यूज से हुई बातचीत के दौरान बताया कि मामले में कोई कम्युनल एंगल नहीं है। घोड़ों को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय घोड़ा खच्चर संचालकों में मारपीट हो गई थी। वही मामले में श्रद्धालु और आरोपी सभी हिंदू है। पुलिस ने ये भी बताया कि तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तराखंड पुलिस की इस पोस्ट में बताया गया है कि 10 जून को दिल्ली के महिपालपुर की रहने वाली तनुका पौंडर गोरेकुंड से केदारनाथ जा रही थी। तभी भीमबली पुल के पास उन्हें एक घोड़ा बुरी हालत में मिला। उन्होंने लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। महिला ने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति दूसरे जानवरों को भी परेशान कर रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति से इसका कारण पूछा। इसी बीच कुछ घोड़े और खच्चर संचालक मौके पर आ गए। उन्होंने महिला और उनकी मदद करने वाले बाकी लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। रुद्रप्रयाग की एसपी विशाखा ने इस मामले के संदर्भ में ये कहा। केदारनाथ यात्रा रूट पे एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें घोड़ा संचालकों द्वारा यात्रियों के साथ हाथापाई एवं असभ्य वर्तन जो है वो किया गया है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने त्वरित थाना सोनप्रयाग में इसमें अपराध जो है रजिस्टर किया है एवं जो भी अभियुक्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। साथ ही इन अभियुक्तों के जो भी घोड़ा संचालन के लाइसेंस है उनको भी कैंसिल करवा दिया गया है। यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों से हमारा कहना है कि यात्रियों की सुरक्षितता हमारे लिए सबसे अहम है और वो उसको हम भली भांति जो है निभाएंगे। साथ ही साथ जो भी ऐसे असामाजिक तत्व जो है यात्रा रूट पे आते हैं उनके लिए हमारी ये सख्त चेतावनी है कि ऐसी कोई भी हरकत किसी के द्वारा ना की जाए, अदरवाइज इसमें जो है हम सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसी कोई भी हरकत जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जैसा कि ऑल्ट न्यूज ने अपनी जांच में पाया कि इस घटना में कोई कम्युनल एंगल नहीं था। घोड़ों को लेकर श्रद्धालुओं और संचालकों के बीच विवाद हुआ था और तो और मामले में आरोपी और श्रद्धालु सभी हिंदू थे।